हेलो एवरीवन एंड वेलकम इस वीडियो में। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा गियर रेशियोज के बारे में। गियर रेशियोज को थोड़ा बहुत समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि किस तरीके से गियर जो है हमारे व्हीकल की स्पीड को वेरी करते हैं, या व्हीकल का जो टॉर्क है, टॉर्क आउटपुट है, उसको किस तरीके से वो वेरी होता है। तो इसे हम समझेंगे अच्छे से। तो यहाँ पे बोर्ड पे हमने दो गियर्स बना रखे हैं। तो गियर रेशियो है क्या, किन दोनों चीजों का रेशियो है, गियर्स की किस प्रॉपर्टी का रेशियो है। तो यहाँ पे दो गियर हैं, तो अगर मैं कहूँ कि ये वाला जो गियर है ये इनपुट गियर है, तो इसका मतलब ये इंजन से ड्राइव लेके घूम रहा है। अगर हम इंजन में लगा हुआ इसे मानते हैं, तो ये इंजन से ड्राइव लेके घूम रहा है, तो ये इनपुट दे रहा है इस गियर को, और ये गियर इस गियर की मदद से घूम रहा है, तो ये आउटपुट गियर है। इस गियर को हम ड्राइवर गियर भी कह सकते हैं, और इस गियर को हम ड्रिवन गियर भी कह सकते हैं। तो यहाँ कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं। तो टी का मतलब है नंबर ऑफ टीथ, टीथ यानी ये जो दांते हैं वो टीथ हैं। डी का मतलब है डायमीटर, जो इस गियर का डायमीटर है। अब टीथ के एंड से दूसरे टीथ के एंड के बीच का जो एक लॉन्गेस्ट डिस्टेंस निकलेगा वो डायमीटर है, ना कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक। ये टीथ के आउटपुट से लेके पूरा दूसरे टीथ के आउट तक। तो एन का मतलब है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितने चक्कर ये गियर काटता है, या ये गियर काटता है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो गियर रेशियो जो है वो बेसिकली, अगर हम इन दोनों गियर्स के बीच में देखें तो क्या क्या टर्म्स से हम गियर रेशियो निकाल सकते हैं इन दोनों के बीच में। एक तो नंबर ऑफ टीथ ऑन आउटपुट गियर, इस गियर के ऊपर कितने दांते हैं, अपॉन में नंबर ऑफ टीथ इन इनपुट गियर, इस गियर के ऊपर कितने दांते हैं, इन दोनों के बीच का रेशियो गियर रेशियो होता है। दूसरा, इन दोनों के बीच का डायमीटर, सॉरी, इन दोनों के जो डायमीटर है अलग अलग, तो आउटपुट गियर का डायमीटर अपॉन में इनपुट गियर का डायमीटर, और इज इक्वल्स टू, और गियर रेशियो आप कैसे निकाल सकते हो, रिवॉल्यूशन जो है, यानी इनपुट गियर के जो ड्राइवर गियर के रिवॉल्यूशन है, इस गियर का जो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन है, जितने चक्कर काटता है, अपॉन में रिवॉल्यूशन ऑफ आउटपुट गियर, इस गियर का जो रिवॉल्यूशन है वो। और आप देख सकते हो इसे टॉर्क के टर्म में, तो टॉर्क यानी इंजन से इसे जितना टॉर्क मिल रहा है आउटपुट गियर, सॉरी, इस गियर का जो टॉर्क है, जो आउटपुट गियर का टॉर्क है, अपॉन में इनपुट गियर का जो टॉर्क है, तो टॉर्क के टर्म से इस तरीके से निकाल सकते हैं गियर रेशियो। तो बेसिकली आप देख रहे हो यहाँ पे ज्यादातर सारी चीजें आउटपुट अपॉन इनपुट है, सिर्फ रिवॉल्यूशन को छोड़ के। तो इस तरीके से आप गियर रेशियो को कैलकुलेट कर सकते हो, अलग अलग चीजें कैलकुलेट कर सकते हो गियर रेशियो की मदद से, बहुत फायदेमंद है। कैसे फायदेमंद है, आप यहाँ पे दो अलग अलग गियर्स का मैशिंग देख रहे हो। इस तरीके के गियर मैश को हम कहते हैं सिंपल गियर ट्रेन, क्योंकि इसमें हर गियर जो है वो अलग अलग एक्सिस पे है, बहुत ही सिंपल एक एडजस्टमेंट है गियर्स का। थोड़ा सा अलग हो जाता है ये गियर का साइड व्यू है, इसलिए थोड़ा अलग दिख रहा है आपको, ये थोड़ा अलग है। इसे कंपाउंड गियर ट्रेन कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कुछ गियर्स जो है वो आपस में कॉमन शाफ्ट भी शेयर करते हैं, तो इस वजह से कंपाउंड गियर ट्रेन और ये सिंपल गियर ट्रेन। अब रही बात कि आपको इन दोनों के बीच का गियर रेशियो निकालना है, तो बहुत ईजी है। अगर मैं कहूँ इसमें 40 टीथ्स हैं, इसमें 20 टीथ्स हैं, तो आप बहुत इजीली निकाल सकते हो कि आउटपुट गियर का जो टीथ है तो 40 अपॉन में जो इनपुट गियर का टीथ है 20, तो ये आ गया हमारे पास 2:1। तो हम कह सकते हैं ये 2:1 है, तो इन दोनों के बीच का जो गियर रेशियो है वो 2:1 है। तो ये बहुत ईजी है निकालना। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इस गियर ट्रेन का जो टोटल गियर रेशियो, तो वो आप कैसे निकालोगे, उसे निकालने के लिए जो पहले दो गियर हैं उनका रेशियो, उनका गियर रेशियो इनटू जो बाद के जो दो गियर हैं, मतलब लगातार अगर यहाँ पे एक और जुड़ा रहता तो ही इसी तरीके से निकालते कि अगर एक और जुड़ा हुआ है तो पहले तो इन दोनों का जो गियर रेशियो है इनटू में इन दोनों का जो गियर रेशियो है, और अगर एक और जुड़ा रहता तो इनटू में इन दोनों का जो गियर रेशियो होता। तो यहाँ पे हमने तीन ही गियर लगाए, इसलिए G1 × G2, तो ये गियर रेशियो होगा इसका। अब इन दोनों के बीच का गियर रेशियो अगर 40, 20, 10, ये इनके नंबर ऑफ टीथ्स हैं, तो पहले वाले का इन दोनों का गियर रेशियो क्या होगा, आउटपुट अपॉन इनपुट, तो 20/40 × आउटपुट अपॉन इनपुट 10/20,
तो आप यहाँ से देख सकते हैं बहुत ही इजीली, ये 1/4 यानी 1:4 इसका गियर रेशियो निकलता है ये। तो इसका क्या मतलब है कि इसके एक चक्कर में इसके चार रिवॉल्यूशन कंप्लीट रहेंगे, यानी अगर ये एक बार घूमा तो ये चार बार घूम जाएगा। इस गियर रेशियो का मतलब बेसिकली यही होता है। तो जैसे हमने यहाँ पे अभी निकाला, तो अभी हमारे पास इन दोनों के बीच का गियर रेशियो है 2:1। तो इसका क्या मतलब हुआ कि यार गियर रेशियो तो आ गया हमारे पास 2:1, लेकिन इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये कि जो इनपुट का जो हमारा रिवॉल्यूशन है, तो अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे 2:1 है, तो इसका दो चक्कर में इसका एक चक्कर कंप्लीट होगा। तो ये आप फॉर्मूले से भी देख सकते हो, एन इनपुट अपॉन एन आउटपुट। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि गियर रेशियो हमारे पास एन इनपुट अपॉन एन आउटपुट, गियर रेशियो हमारे पास 2:1 है, तो ये इनटू एन आउटपुट। तो इसका मतलब यही हुआ कि आउटपुट के दो चक्कर, यानी इसका एक, सॉरी, अगर यहां पे हम आउटपुट का एक रिवॉल्यूशन लगाएं, तो आउटपुट वाले के एक रिवॉल्यूशन में इसके इनपुट वाले के दो रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। अगर आरपीएम आउटपुट वाले का एक है, तो इसके इनपुट वाले के दो हैं। तो इसका ये मतलब निकलता है कि हम बेसिकली इस फॉर्मूले से ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसके इतने राउंड्स में उसके इतने राउंड्स निकल आएंगे। तो इस तरीके से हम गियर रेशियो इसका कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन एक और तरीका, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ पे, एक और तरीका बेसिकली क्या है कि अगर यहाँ पे मैं 10 और गियर जोड़ देता बीच में, तो भी गियर रेशियो यही निकलता, क्योंकि यहाँ पे टीथ आउटपुट अपॉन टीथ इनपुट, तो यहाँ पे ये इनपुट है नंबर 1 और आउटपुट है नंबर 2, इनटू में अगर हम दूसरे का निकालते तो टीथ आउटपुट है यहाँ पे नंबर 3 अपॉन इनपुट, इनपुट है यहाँ पे नंबर 2, तो ये कैंसिल हो गए। तो अब कितने भी गियर इन दोनों के बीच में लगा दो, पहले और तीसरे के बीच में, वो लगातार इस तरीके से कैंसिल होते जाएंगे और लास्ट में हमेशा सिंपल गियर ट्रेन के केस में एक ही कंडीशन निकलेगी कि फाइनल जो गियर है, जो लास्ट गियर है आउटपुट का अपॉन में जो पहला गियर है इनपुट का, तो अभी हमने निकाला था तो 1:4 था। अगर आप इसे सीधे इस फॉर्मूले से भी निकालें तो 10/40 तो भी 1:4 ही आएगा। तो आप इन दोनों के बीच में कितने भी गियर्स निकाल लगा दीजिए अलग अलग एक्सेस पे, हमेशा रिजल्ट आपको 1:4 ही मिलेगा। तो इस तरीके से सिंपल गियर ट्रेन का जो है आप गियर रेशियो निकाल सकते हैं। कंपाउंड गियर रेशियो में हम आते हैं, तो कंपाउंड गियर रेशियो में भी इसी तरीके से निकालेंगे गियर रेशियो। फर्क थोड़ा सा रहेगा कि अगर ये इनपुट है ये वाला गियर, तो ये वाला गियर इस गियर के लिए आउटपुट हो गया। अब इसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन और इसके नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन सेम होंगे, क्योंकि सेम ही शाफ्ट है, जितने चक्कर ये काटेगा उतने ही चक्कर ये काटेगा। तो इन दोनों गियर का गियर रेशियो इनटू इन दोनों गियर का गियर रेशियो, तो इन दोनों गियर का गियर रेशियो क्या हो गया, ये इनपुट है ये आउटपुट है, तो आउटपुट के नंबर ऑफ टीथ 20 अपॉन इनपुट के हैं 80 इनटू इन दोनों का गियर रेशियो, तो आउटपुट इसमें है 40 अपॉन में इनपुट में है 10, तो ये निकला 1:1। यानी इस गियर सिस्टम के साथ अगर ये एक चक्कर काटता है, तो ये वाला गियर भी एक ही चक्कर काटेगा इस नंबर ऑफ टीथ्स का जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट के साथ इस तरीके की फंक्शनिंग होगी। तो इस तरीके से हम गियर रेशियोस कैलकुलेट करते हैं। आपको यहाँ पे टॉर्क आउटपुट अपॉन टॉर्क इनपुट भी लिखा हुआ है, तो आप अगर इसे ध्यान से देखें तो जो गियर बॉक्स है वो बनाने में बहुत ही हेल्पफुल रहता है, क्योंकि अगर आप इन दोनों गियर्स को देखें तो ये वाला गियर इस गियर से बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर आप बड़ा गियर लगाओगे तो यहाँ पे आपको टॉर्क
ज्यादा मिलेगा आउटपुट में हमेशा, क्योंकि जैसे इसको और समझ लीजिए, तो टॉर्क, टॉर्क को हम ऐसे लिख लेते हैं, टॉर्क आउटपुट अपॉन में टॉर्क इनपुट। अब नंबर ऑफ टीथ इसके 40 हैं आउटपुट गियर के अपॉन में नंबर ऑफ टीथ इनपुट गियर के हैं 20, तो ये आ गया 2। तो टॉर्क आउटपुट जो है वो आया हमेशा ट्वाइस इनटू टॉर्क इनपुट, यानी इनपुट में जितना भी टॉर्क लगेगा उसका दुगना होगा आउटपुट टॉर्क, अगर हमारा आउटपुट गियर जो है वो बड़ा है साइज में, उसके नंबर ऑफ टीथ ज्यादा है। लेकिन वहीं अगर हम इसके आधे नंबर ऑफ टीथ का गियर लगाते, यानी छोटा लगाते, तो ये कहानी थोड़ी अलग हो जाती। यहाँ पे 10 आया था और हमारे पास 1/2 यहाँ पे ये आता, तो आउटपुट का जो टॉर्क है वो, यानी इस व्हील में, इस गियर में जो टॉर्क जाता अगर इसके नंबर ऑफ टीथ 10 हो जाते तो वो आधा होता इनपुट वाले टॉर्क से, तो टॉर्क जो है कम हो जाता। लेकिन अगर टॉर्क कम हुआ तो आरपीएम जो है वो बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आरपीएम वो ज्यादा जाएंगे, वो इस रेशियो से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम ये इन सभी चीजों को बहुत ही इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, समझने में बड़ी आसानी है। और एक और इसमें आखिरी बात कि जो इंजन का टॉर्क होता है, टॉर्क जो है इंजन का और जो टायर में जाता है वो टॉर्क दोनों अलग अलग होते हैं, क्योंकि बीच में बहुत एक बड़ा गियर बॉक्स लगा हुआ है, डिफरेंशियल लगा हुआ है, बहुत सारे गियर्स हैं, तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब उसमें कंपाउंड गियर ट्रिम भी आ जाता है, सिंपल गियर ट्रिम भी आ जाता है, तो टॉर्क जो इंजन का है इनटू बीच में जो गियर रेशियो आ गया है इज इक्वल्स टू टॉर्क जो ट्रांसमिशन से, जो ट्रांसमिट हो रहा है टायर्स में, तो जो टॉर्क ट्रांसमिट हो रहा है टायर में वो होता है इंजन का टॉर्क इनटू गियर रेशियो। यहाँ पे इस फॉर्मूले से भी आप देख सकते हैं कि आउटपुट अपॉन इनपुट। अब आउटपुट तो टायर्स में आप कह सकते हो सीधे जो टॉर्क हमें मिल रहा है, ठीक है, और इनपुट जो है जो इंजन का है, तो टॉर्क इंजन इनटू गियर रेशियो इज इक्वल टू टॉर्क जो टायर्स में जा रहा है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं इन सारी चीजों को। आई होप आपको समझ में आया हो, अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक यू।